सामने जो है अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं निगाही परियोजना कॉलोनी कैंपस के अंदर में। चलिए आपको दिखाते हैं। काफी ज्यादा भीड़ भाड़ रहता है यहाँ पे, और ठीक सामने इस रोड पे अगर आप आएंगे तो ये आपको पेट्रोल पंप भी यहाँ पे आपको मिलेगा। चलिए चलते हैं और निगाही कैंपस के अंदर में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस नए ब्लॉग में। मैं आपका होस्ट, मैं आपका दोस्त आपसे स्वागत करता हूं जर्नी ऑफ मिस्टर कोल में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग पहुँच चुके हैं निगाही कॉलोनी, जो कि एक मेगा प्रोजेक्ट है हेल्थ केयर का। तो चलिए सफर में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं निगाही कॉलोनी। चलिए आपको दर्शन कराते हैं निगाही के टाउनशिप के अंदर में। भगवान शिव जी का मंदिर ये सामने आप देख पा रहे होंगे, और भव्य दुर्गा जी का भी मंदिर जो है इस बार बनाया गया है, और जिसको कि मैंने आपको दुर्गा पूजा वाले ब्लॉग में आपको दिखाया था निगाही प्रोजेक्ट का, तो आपने बहुत अच्छे से अंदर की सारी तस्वीरें देखी होंगी। और जिन लोगों ने नहीं देखी हो, वो दुर्गा पूजा वाले इस साल के निगाही वाले ब्लॉग को आप देखें। मुझे लग रहा था जब मैं आया था तो मुझे लगा कि ये बनाया हुआ मंडप है, बट नहीं, ये माँ दुर्गा का जो है पूरा अच्छे से उसको बनाया गया है। इधर छठ घाट भी है, और ये सामने देखिए बहुत ही खूबसूरत सा पूरा माँ वैष्णो देवी दुर्गा पूजा समिति निगाही क्षेत्र आपका कहा सकता है। पूरा दुर्गा जी का मंदिर ये सामने, मंदिर बंद है, बहुत ही भव्य बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया है। थोड़ा दोपहर का समय है तो सूरज देवता के कारण जो है वीडियोज या फोटोज जो है बहुत अच्छे, क्योंकि सूरज की रोशनी जो है डायरेक्ट है इसीलिए। और इधर मैं आपको दिखाऊँ, ये 41 नंबर से 70 नंबर तक के सारे डी टाइप हैं, जो कि सब नए डी टाइप हैं। बहुत ही पूरे डी टाइप क्वार्टर्स हैं। बहुत ही अच्छा सा वेल मेंटेन ये पूरा कॉलोनी का एरिया भी रहता है। ये पूरा कॉलोनी देख पा रहे होंगे आप, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही वेल। इधर सामने पार्क भी आपको ये दिखाई देगा, बहुत ही खूबसूरत सा पार्क है ये नीटर क्वार्टर के सामने से। तो डीटेप स्टडी से आगे बढ़ते हुए हम लोग निगाही प्रोजेक्ट, जो कि एनसीएल सिंगरौली का एक बहुत ही बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है और जो कि मध्य प्रदेश के अंदर आता है, तो चलिए चलते हैं और आगे आपको कुछ और क्वार्टर्स को दिखाते हैं। ये सामने जो है ये आप निगाही का डिस्पेंसरी है, यहाँ पे आकर के कॉलोनी के एम्प्लॉयज हैं निगाही के, वो तो आकर के यहाँ पे अपना फर्स्ट ट्रीटमेंट अपना करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हुए डी टैप से आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे हम लोग, और इधर ही मैं आपको बता दूं एग्जीक्यूटिव क्लब भी है, आए दिन शादियां वगैरह होती रहती है, इसको कंपोजिट बिल्डिंग कहा जाता है निगाही में। और ये
है, फिर उसके सामने जो है निगाही का शॉपिंग सेंटर भी है, छोटा सा ही शॉपिंग सेंटर है, सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं यहाँ पे। ये सामने निगाही का आपको शॉपिंग सेंटर है, काफ़ी बड़ा, बहुत स्पेसियस ये शॉपिंग सेंटर है। और जो आपका ये मंदिर का कैंपस है उसी के ठीक पीछे लगा हुआ है, यहाँ पे सब्जी का मार्केट भी रहता है। ये पूरा खासकर मैं बता दूं कि जो सारे क्वार्टर्स हैं वो बिल्कुल ही इस तरह से बने हुए हैं कि सबके बीच में पार्क है, सारी सुख सुविधाएं हैं, तो ये सारा आप देख पा रहे होंगे सामने सीट टाइप के क्वार्टर्स। और यहाँ पे जितने भी क्वार्टर हैं वो सारे क्लस्टर में बने हुए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से वेल मेंटेन्ड है सब। ये सारे जो ट्रिपल स्टोरी है सारी यहाँ पे, ये देखिए सारी सारे जो क्वार्टर्स हैं और सामने इनके पार्क है, गैरेज वगैरह भी आप देख पा रहे हैं, कार गैरेज भी पूरा सबको क्वार्टर्स को अलॉटेड है यहाँ पे। ये सामने आप सी टाइप का ये क्वार्टर आप देख पा रहे होंगे, सारे ट्रिपल स्टोरी है, बहुत ही अच्छे से बने हुए हैं, बहुत ही स्पेसियस है। इधर जो है बी टाइप श्रेणी आवास है सारे, और ठीक ऐसे भी देख पा रहे हो जैसे कि सी टाइप के सामने सारे पार्क्स आप देख पा रहे थे बीच में क्वार्टर्स को क्लस्टर टाइप सी टाइप का, जहाँ पे भी जो है वो सारे ट्रिपल स्टोरी बी टाइप के सारे क्वार्टर्स हैं। ये देखिए सामने आपको दिख रहा होगा सब कुछ, सारे क्वार्टर्स जो है आपको निगाही में जैसा कि आप देख पा रहे हो वेल मेंटेन्ड, सारा कलरिंग वगैरह डिस्टेंपर वगैरह सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। ये क्वार्टर्स है और सारे क्वार्टर्स के बीच में जैसा कि क्लस्टर में होता है कि ये बीच में जो है आपको एक पार्क दिया गया है जहाँ पे बच्चे शाम को जो है वो आनंद ले सके और इंजॉय कर सके। स्टोरी सारे क्वार्टर है, ये देखिए साहब इस तरह के ट्रिपल स्टोरी सारे बिल्डिंग है जो कि वेल मेंटेन्ड है, सबके स्कूटर गैरेज भी है। पहले आपको दिखाते हैं डीपीएस, ये देखिए दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये डीपीएस निगाही का पूरा कैंपस है।
जिला खदान श्रमिक संघ, कोयला श्रमिक संघ, सब कुछ सारे जो उनके ऑफिस बेरर के ऑफिस है वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये जो है सारे माइनस क्वार्टर है, माइनस श्रेणी के सारे क्वार्टर है, तो देख पा रहे होंगे। और छोटा सा शॉपिंग सेंटर भी एरिया भी है यहाँ पे ये, और ये आपको जो है वो ठीक सामने पड़ेगा, ये देखिए पूरा स्टेडियम आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे जो है निराई का सिविल इलेवन ईएनएम ऑफिस भी है, यही पे टेलीफोन ईएनटी डिपार्टमेंट भी है। और ये बगल से आप देखें ये स्टेडियम पार्ट है, और इधर जीएम ऑफिस आपका निराई। तो चलिए चलते हैं और आगे मिलते हैं। ये पूरा निराई का स्टेडियम, चलिए आपको दिखाते हैं निगाही का स्टेडियम। कोशिश करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ मैं सारे जगहों को कैप्चर कर सकूं, दिखा सकूं आपको। ये निगाही का स्टेडियम आप सामने देखिए, जो कि ठीक डीपीएस स्कूल से लगा हुआ स्टेडियम है। और यहाँ पे जो है क्रिकेट के सारे प्रैक्टिस मैचेस वगैरह सब होते हैं। ये देखिए खूबसूरत सा ये व्यू है, जो जगह इम्पोर्टेंट है वो सब चीजों को कवर करते हुए एक बार में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सामने पोस्ट ऑफिस आप निगाही का देख पा रहे होंगे, जब गेट से घुसेंगे तो वहीं से आपको पहला मिलेगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पोस्ट ऑफिस, और सामने आप ये गेट देख पा रहे हो। ये दुधी चुबा से आने के बाद जो है, और निगाही में आपको यहाँ से जब निकलेंगे तो आपको ये गेट सामने बड़ा सा जो कि निगाही का प्रिजनर गेट है, और यहाँ से बाहर निकलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये सामने पेट्रोल पंप है, अगर आप इस रोड पे अगर आप शक्तिनगर से अगर नेहरू और निगाही की तरफ आएंगे तो आपको ये पहला पेट्रोल पंप पड़ेगा बीच में। इस बीच में फिर कोई पेट्रोल पंप नहीं है और ये पेट्रोल पंप है। चलिए और इससे आगे सफर बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रोजेक्ट की ओर चलते हैं।